ओके गाइस, एक्चुअली आपकी जो पार्ट वन है पैलोग्राम वीडियो का, वो एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए थे जिसकी वजह से वीडियो आपकी यहीं पर पॉज हो गई थी, तो मैंने यहीं से कंटिन्यू कर दी है वीडियो। ठीक है, तो मैं दोनों वीडियो एक साथ ही अपलोड कर दूंगी जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आप परेशान मत होना बिल्कुल भी। पार्ट टू इसका यहाँ यहीं पर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जो हम अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करा देते हैं यहाँ पर पी एस आर एंड क्यू, ये क्या है, ये आपके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स हो जाएंगे ये। तो अगर इन्हें मैं कनेक्ट करा देती हूँ तो पी क्यू एस आर इज आ, ये क्या बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने डायगनल ड्रॉ किया है, डी वन डी टू डायगनल था ये आपका, ये डी टू डायगनल है, तो ये आपका एस आर जो है ये हाफ ऑफ डी टू हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपका पी क्यू जो है वो भी आपका हाफ ऑफ डी टू हो जाएगा। सेम विद एस पी, एस पी अगर ये यहाँ पर डी वन डायगनल है ये हाफ ऑफ डी वन हो जाएगा, एंड क्यू आर भी आपका हाफ ऑफ डी वन हो जाएगा। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है जब डी वन इज नॉट इक्वल्स टू डी टू है, तो जाहिर सी बात है हाफ ऑफ डी वन इज नॉट इक्वल्स टू इज ऑल्सो हाफ ऑफ डी टू। ठीक है, और ये जब आपस में इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, एस पी एंड क्यू आर बराबर है, आर एस एंड पी क्यू आपका बराबर है, तो मैं कह सकती हूँ ये भी आपका क्या बनेगा, पैलोग्राम बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर हम पैलोग्राम के मिड पॉइंट ज्वाइन करा देते हैं तो क्या बनकर आता है, पैलोग्राम भी बनकर आता है। ठीक है, पैलोग्राम ही क्यों, अपोजिट साइड तो आप कहोगे मैम रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है, पर देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर ना ये डायगनल इंटरसेक्ट जो है 90 डिग्री पर नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट 90 डिग्री पर नहीं कर रहा है तो ये रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता। ठीक है, रीजन ये है, ये 90 डिग्री होता, ये 90 डिग्री होता, तभी तो ये भी 90 डिग्री आता। जब चारों एंगल इसके 90 डिग्री 90 डिग्री के आते हैं तभी तो हम कहते हैं ना ये आपका रेक्टेंगल है, लेकिन अभी ये रेक्टेंगल है ही नहीं क्योंकि इसके जो डायगनल है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट होते ही नहीं है। ठीक है, होते नहीं है, तो ये इस वाले एंगल को भी 90 डिग्री का नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से ये जो है आपका क्या रहेगा, पैलोग्राम रहेगा, ना ही कि रेक्टेंगल। आई होप ये डाउट आपको क्लियर होगा, देन मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है गाइस, वीडियो का पार्ट वन जरूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट काफी इजी है और ये चीज हमने रेक्टेंगल में भी पढ़ी है। देखो अगर कोई भी आपका ये पैलोग्राम है और इस पैलोग्राम में अगर मैं एक सबसे बड़ा ट्रायंगल फॉर्म करती हूँ, ठीक है, ये रहा आपका ट्रायंगल और ट्रायंगल को मैंने नेम दे दिया है ए बी एंड पी, ये आपका पॉइंट सी रहेगा और ये डी रहेगा। आपको बहुत अच्छे से पता है ये साइड अगर ए है तो ये भी आपकी ए होगी, और अगर मैं हाइट की बात करूं ये रही आपकी हाइट। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, इस ट्रायंगल के एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर आप देखो बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ इसमें जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा, अब ए कहीं पर भी हो, ठीक है, ए कहीं पर भी हो, ठीक है, चाहे सॉरी पॉइंट पी कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर बेस सेम है तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसका क्या रहेगा, हाफ ऑफ पैलोग्राम रहेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू, ए पी बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एरिया ऑफ पैलोग्राम का आधा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी एंड डी, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है कि अगर आप यहां से डायगनल कनेक्ट करा देते हो, ठीक है, बी डी, ठीक है, और ये है आपका एम मिड पॉइंट और ये है आपका एन मिड पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं जो हूं ए से एन को कनेक्ट करा देती हूं, ठीक है, और सी से एन को, ये दोनों मैंने मिड पॉइंट कनेक्ट करा दिए हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका क्यू, नेम दे दें इसे, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ आर। ठीक है, तो डी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आपका बी आर हो जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किस तरह से है ये, तो इस चीज को समझो आप। देखो मैंने कहा
ये एंगल जो है जेड है मान लो, बल्कि एक्स और वाई से स्टार्ट करते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मैंने कहा ये एंगल एक्स है, ये वाई है, तो आप कहोगे मैम ये आपका एक्स और वाई ये भी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो मैंने कहा ये एंगल जेड है। ठीक है, अब देखो ये मिड पॉइंट से अगर कनेक्ट कराओगे लाइन, तो मैंने आपको बहुत से बताया था, ठीक है, अगर हम कोई भी मिड पॉइंट से लाइन कनेक्ट कराते हैं तो वो हमारी पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये अगर एंगल जेड है तो ये वाला एंगल भी जेड होगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी तो आपकी पैरेलल लाइन है ना, ये दो भी तो आपकी पैरेलल लाइन है, और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर जेड है तो ये आपका क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये भी आपका जेड हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों एंगल्स की बात करती हूँ, ट्राइंगल की बात करती हूँ, तो देखो एक्स वाई यहाँ पर इक्वल है, और यहाँ पर मान लीजिए ये अगर ए है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये भी आपकी साइड ए होगी, या फिर ए बाई टू कर लो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, पूरी अगर ए है तो ये मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है ये कितनी हो जाएगी, ए बाई टू। सेम हेयर, ये भी आपकी ए बाई टू होगी, क्योंकि पैलोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड इक्वल होंगी। और ये आपका मैं लिख देती हूँ एम एंड एन, ये क्या है, ये आपके मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ए बाई टू, ए बाई टू में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों जो ट्राइंगल हैं आपस में ये क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर ट्राइंगल यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो मैं ये कह सकती हूँ डी क्यू एंड आपकी बी पी जो है, सॉरी आर बी बराबर हो जाएगी, क्योंकि जेड के सामने यहाँ पर क्या है डी क्यू है, यहाँ पर जेड के सामने क्या है आर बी है, तो ये डी क्यू एंड आपकी आर बी यहाँ पर बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में तो मैंने डी क्यू बराबर आर बी कर दी है, अब मुझे क्या बराबर करना है क्यू आर। अब क्यू आर अगर हम मुझे यहाँ पर इक्वल करना है तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे जो है मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। जब भी हम किसी मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं और बीच में कोई भी लाइन आ जाती है, तो उस लाइन का भी क्या बन जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पर ओ जो है एक तरह से क्यू आर का क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये चीज मैंने आपको पहले ट्राइंगल में भी समझाई थी बहुत अच्छे से। ठीक है, कि अगर किसी भी लाइन के हम मिड पॉइंट को कनेक्ट कराते हैं मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, तो ये आपका क्या बनेगा, ये भी आपका एक मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखो इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, तो ये साइड अगर आपकी बी है, ठीक है, तो ये साइड भी आपकी बी होगी, लेकिन अगर आप इसमें सिमिलैरिटी लगाओ, ठीक है, तो आप ये चीज जानोगे, ये अगर बी है तो ये कितनी हो जाएगी, बी बाई टू हो जाएगी, ओ एन जो है वो हो जाएगी आपकी बी बाई टू। ठीक है, ये इसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट कनेक्टेड है, और एक रीजन और भी है इसके हाफ होने का, देखो ये एंगल अगर जेड है तो आपका ये भी जेड होगा, इसको उतना लेने की नीड है नहीं। देखो अगर यहाँ पर मैं टी ले लेती हूँ एंगल एक्स और वाई, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए ये एंगल टी है, तो इधर ये वाला एंगल भी आपका टी हो जाएगा। ठीक है, और क्या ले सकते हैं इसमें, एक्स एंड टी तो इक्वल आ नहीं रहा यहाँ पर, एक्स एंड टी, और ये आपका जेड एंड वाई। ठीक है, और क्या क्या इसमें दिख रहा है, हाँ ये एंगल एक्स। देखो यहाँ पर थोड़ा देखने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ से ये ए एन वाली लाइन हटा दूँ, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ए एन वाली लाइन अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, तो ये जो आपका अगर आप देखो ये अभी आपकी पैरेलल लाइन है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये एंगल अगर आपका एक्स है और यहाँ से अगर मैं ए एन लाइन हटा देती हूँ, तो क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल आपका कौन सा बनेगा, ये भी आपका एक क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका एक तरह से एक्स हो जाएगा। और ये अगर आपका टी है तो ये वाला एंगल जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ये टी है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये एक्स है तो ये भी आपकी एक लाइन है, ये भी कितना हो जाएगी आपकी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये एक्स और टी, और ये एक्स और टी, ये अगर बी है तो ये हाफ हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो ये आपके ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे आपके, जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एक तरह से। ठीक है, कॉन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर हो जाएंगे आपके, क्योंकि बी बाई टू है, ये आपके बी है, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए, तो बस कुछ बचा ही नहीं है। जिस तरह से, ठीक है, इसके सामने की साइड आपकी हाफ थी और इसके सामने की साइड बी थी, तो इसी तरह से अगर आप देखो यहाँ पर ये जो आपकी जेड के सामने बी आर है, ठीक है, जेड के सामने बी आर है, और इस वाले के सामने क्या, सॉरी टी के सामने, देखो टी,
टी के सामने बी आ रहा है क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए थे ना, तो इसी दोनों ट्राइंगल में लगाएंगे, और इसके सामने क्या है, टी ओ है, तो इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो इस ट्राइंगल की क्या है, डबल है। तो इसी तरह से इधर की अगर बी आर है तो यह कितनी होगी, हाफ ऑफ बी आर। अगर मैं बी आर को कोई नेम दे देती हूँ, इस साइड को मान लीजिए मैंने नेम दे दिया है के, ठीक है, तो ये अगर आपकी के थी, बी आर भी आपकी के थी, तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ के। ये हाफ ऑफ के है, मिड पॉइंट है, तो ये भी हाफ ऑफ के हो जाएगी। हाफ ऑफ के और हाफ ऑफ के मिलकर क्या बन जाएगी, के बन जाएगी, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, क्यू आर हो जाएगा, जो कि के के बराबर है, ठीक है। तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, समझ गए ना। देखो क्या करा है, एक बार अच्छे से समझो। पहले मैंने इन दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंसी लगाई, उससे ये प्रूफ कर दिया कि जो ये भी के है और ये वाली लाइन भी आपकी के है। अब बचा था ये मिडिल पोर्शन, मिडिल पोर्शन में मैंने लगाई सिमिलैरिटी, क्योंकि इस बार कॉन्ग्रेंसी से हिसाब किताब नहीं बैठता, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी लगाई, कॉन्ग्रेंसी सॉरी सिमिलैरिटी लगाई, उसमें देखो ये अगर टी है तो ये भी आपका टी होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। ये अगर एक्स है, अगर आप इस लाइन को ए जेड को यहाँ पर भूल जाओ तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्रॉसमॉर्निंग एंगल्स हो जाएंगे एक छोड़कर, ठीक है, ये आपका एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब ये एक्स है, ये टी है, ये एक्स है, ये टी है, टू एंगल्स इक्वल, तो ये आपका ट्रायंगल्स कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी यहाँ पर है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल की अगर बात करें तो यहाँ अगर बी है तो यहाँ पर कितना बैठेगा, बी बाई टू, क्योंकि ये क्यू एन जो है क्या एज अ मिड पॉइंट वर्क कर रहा है, तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, हाफ हाफ हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखो टी के सामने अगर के है तो यहाँ पर टी के सामने के बाई हाफ रहेगा, ये अगर के बाई टू है तो ये भी आपका के बाई टू रहेगा, और ये जो है आपस में सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देखो प्रूफ समझाना चाहता, छोटा सा प्रूफ चाहती मैं डायरेक्टली बता सकती थी, रीजन ये है, जरूरी नहीं डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, हो सकता है ये पूरी फिगर आ जाए, आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है ये वाला एंगल आपसे पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। इसलिए अब जो है ना वो वाला हिसाब किताब नहीं रहा है कि शॉर्टकट में पढ़ाओ और हो गया। जो आपका फाउंडेशन बैच है काफी स्लो तो चल रहा है, लेकिन बहुत प्रोग्रेसिव है आपके लिए अगर आप देखो तो, क्योंकि सारी एकम एक चीज है ना, बाल की खाल निकाल देना वाला बस यहाँ पर काम चल रहा है, कि आपको हर एक चीज डिटेल में यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पर आपसे आपसे मतलब आपको नहीं बताया जाए, ठीक है। तो कम्प्लीटली मैंने यहाँ पर प्रूफ बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि एग्जामिनर ये प्रूफ ना देकर हो सकता है इसमें से कोई एंगल आपसे पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है इस फिगर में से, इसलिए आपको एक कम्प्लीट प्रूफ आना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अब जो है क्वेश्चन इसी तरह के आपके एग्जाम में आते हैं, कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। चलो ये ओके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड आपको गिवन है, ये क्वेश्चन है, एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है कितनी, ये है 15 सेंटीमीटर और एक साइड है आपकी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा एक डायगनल भी आपको गिवन है, ये रहा डायगनल, और डायगनल में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो एंगल है आपका, एंगल बिटवीन दैम इज 120 डिग्री, जो एंगल है इनके बीच का वो 120 डिग्री है। देखो ये अगर 24 है तो ये भी 24 होगी, और ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगी, ठीक है। मैं एडजेसेंट एंगल बिटवीन देम मान रही हूँ इसे, जो कि 120 डिग्री गिवन है। ये 120 है एडजेसेंट एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लगा दो cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, माइनस कर दोगे इसमें से क्या, ये है आपका d1 स्क्वायर, 2 इंटू 15 इंटू 24, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा, अगर आप देखो तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, और 24 का हो जाएगा 576। 225 एंड 576 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपका, 11 और एक आपका 441। 441 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 15 एंड 24, 15 फोर जा 60 एंड 6 30 एंड 36, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। बस अदला बदली कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से, यहाँ से अगर मैं डी वन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, ये आ जाएगा आपका 225 और प्लस कितना हो जाएगा 576, कितना हो जाएगा ये 1
जीरो, ओहो 108 था, माइनस डी स्क्वायर और ये आपका 360। डी स्क्वायर इधर ले जाओ और ये कितना हो जाएगा, वन था ना उधर, वन बचा था ना, हाँ सही है। 360 इज इक्वल टू 801 माइनस का डी वन स्क्वायर, डी वन स्क्वायर इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना बैठेगा, डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 441। और डी वन की अगर बात करें तो यही आपसे निकालने को कहा था, तो 441 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका स्क्वायर हो जाता है 21 का। ठीक है, तो ये डी वन की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर, और यही आपसे पूछी गई थी। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कॉस रूल लगाकर आप यहाँ पर इजिली बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन तो कुछ ऐसा नहीं था इसमें। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कल बताती हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी पैलोग्राम है, विच ए बी जो है आपका 20 सेंटीमीटर है, बल्कि ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो पहले बेसिक ही कराती हूँ, क्योंकि अगर एकदम से टफ क्वेश्चन ले आई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कल कराऊंगी आपको बढ़िया वाले क्वेश्चन इसके, पैलोग्राम के। ठीक है, आज हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ये आपका ए बी सी डी पैलोग्राम था, ठीक है, इसमें ए सी बी डी आपका डायगनल है, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 42। ठीक है, और जो ए बी है, ए डी सॉरी, ये है आपका 20 और ये कितना है 34। आपसे फाइंड आउट करने को कहा है एरिया ऑफ पैलोग्राम। इसका एरिया फाइंड आउट कर, डबल कर दो। ठीक है, क्योंकि डायग्राम मैंने आपको बताया था, इसका एरिया अगर 1 है तो इसका भी एरिया कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्रॉस फॉर्मूला लगाती हूँ तो कितना हो जाएगा, 20 40 60 70 80 90 94 94 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 94 का आधा हो जाएगा 48। ठीक है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करो, 28 मल्टीप्लाई बाय 6 × 4। ठीक है, अब इसके अगर मैं यहाँ पर फैक्टर कर लेती हूँ, 6 × 14 आएगा ना, 14 बचेगा अगर इसमें माइनस करोगे तो। अब इसके कर लो देखो फैक्टर, ये हो जाएगा 2 × 7, ये हो जाएगा 2 × 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 2 × 2, और अगेन ये कितना हो जाएगा, 6 8 जो होता है ना ये, और यहाँ पर आएगा 2 × 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फैक्टर करती हूँ तो मुझे क्या क्या बाहर मिल जाएगा, मुझे बाहर मिल जाएगा यहाँ से दो, एक दो तो एक साथ मिल जाएगा, दो मिल रहा है, 1 2 3 4, चार दो मिल रहे हैं और एक ये, तो एक तरह से कितना हो जाएगा, 21 एक हो जाएगा और 16 एक हो जाएगा। ठीक है, 21 × 16 कितना होता है, 16 × 1 = 16, कैरी 6, कैरी 1, 32 एंड 33। ठीक है, 3 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, कितना आ जाएगा, 2 7 और ये आपका 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 672 आंसर। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, देख लो। ठीक है, पूरे का एरिया, इसका जो एरिया है वो कितना है, 332 है, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, 332, दोनों को ऐड करोगे तो, सॉरी 336, माफ कीजिएगा, 336 है। ठीक है, 336 दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 672 इज द आंसर। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगी मैं आपको पैलोग्राम के। ठीक है, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी है, और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, और आप अलग से अगर कोई टॉपिक मुझसे मैथमेटिक्स का पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इसके अलावा आप मैथमेटिक्स बाय फाक्रम ग्रुप पे भी बता सकते हो, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओह गॉड, एक चीज तो मैं भूल ही गई आपको बताना, ठीक है, मैं बाय बाय करने से पहले, अच्छा मुझे याद आ गया, आपको डिफरेंसेस बताने थे मुझे रेक्टेंगल एंड जो है रोम्बस के बीच, पैलोग्राम के बीच। ठीक है, डिफरेंस बताने थे, तो देखो रेक्टेंगल और पैलोग्राम में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लो। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, बहुत ही घटिया पैलोग्राम बना है। देखो ये रहा आपका पैलोग्राम, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेती हूँ तो ये रहा आपका रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं ये समझो। ये है आपका ए बी सी डी, देखा अभी रह जाता, एकदम बाय बाय टाटा कर दिया था मैंने, मुझे याद आ गया पी क्यू आर एस, आज क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, क्या
अभी आपने देखा था क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, पार्ट टू बनाना पड़ा था इसी वजह से, क्योंकि क्लास थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई थी, ठीक है। वो नेटवर्क इशू हो गए थे और चार्जिंग भी फिनिश। अरे यार क्या हो रहा है ये। हाँ मेरे लैपटॉप की चार्जिंग भी चली गई थी, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर रेक्टेंगल है, यहाँ पर जो है पैलोग्राम है, इसमें जो है आपका हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है 90 डिग्री का नहीं होता है, इसमें जो है आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सॉरी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा इसके जो डायगनल्स होते हैं, यहाँ पर अगर मैं डायगनल कनेक्ट करा देती हूँ D1 एंड D2, ठीक है, यहाँ पर D1 बराबर होता है D2 के। इसके अलावा ये अगर मैं यहाँ पर पॉइंट O ले लेती हूँ, ठीक है, ये D1 है, ये D1 बाई 2 में, और ये भी आपका D2 बाई 2 और D2 बाई 2 में हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका हाफ हाफ भी बराबर होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डायगनल कनेक्ट करा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर D1 है और यहाँ पर D2 है, ठीक है, तो यहाँ पर ना ही D1 बराबर D2 होता है और ना ही हाफ ऑफ D1 बराबर हाफ ऑफ D2 होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके डायगनल्स इक्वल नहीं होते, इसके डायगनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी, D1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू D2, ठीक है, इसमें भी जो D1 है इज नॉट परपेंडिकुलर टू D2, ठीक है, इसमें भी ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। क्या वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं? नो, बाइसेक्ट वर्ड टेक्स एंगल, क्या वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं? नो, यहां पर भी नो है, यहां पर भी वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, तो आंसर आएगा आपका नो। डायगनल के बारे में समझ गया ना? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जो है अलग बनाती है, जो पैलोग्राम को अलग बनाती है किससे? रेक्टेंगल से, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या रहता है? रेक्टेंगल में आपके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल रहते हैं, और अगर डायगनल्स को बाइसेक्ट किया जाए तब भी वो इक्वल रहते हैं, बट इस केस में डायगनल्स इक्वल नहीं होते। बाइसेक्ट करो कुछ भी करो इक्वल नहीं होते। वर्टेक्स एंगल दोनों में से कोई बाइसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। एरिया आपको पता ही है, इसका होता है एल इंटू बी और इसका होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं दोनों में, ये बात ध्यान रखना। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर होंगी, रेक्टेंगल किस तरह से जो है इससे जो है पैलोग्राम होता है, ठीक है। जितने भी रेक्टेंगल हैं वो नेचुरली आपके जो हैं क्या होते हैं, सबके सब पैलोग्राम होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैलोग्राम बट ऑल पैलोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। जितने भी रेक्टेंगल है वो तो पैलोग्राम है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज वो फॉलो कर रहे हैं जो एक पैलोग्राम में होती है, ठीक है। लेकिन जो पैरेलोग्राम है वो आपका रेक्टेंगल नहीं होता है, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता जो कि ये एक रेक्टेंगल करता है, ठीक है। ये बात समझ गए आप? आई होप सारी चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी। बस अब करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।